Hello students, today we study about principles of inheritance and variation. Have you ever wondered why an elephant always gives birth? To a baby elephant. क्या कभी आपने ये आश्चर्य किया कि एक एलिफेंट हमेशा बेबी एलिफेंट को ही जन्म देता है? और वाई ए मैंगो सीड्स फॉर्म्स ओनली ए मैंगो प्लांट एंड नॉट एनी अदर प्लांट? और मैंगो के बीज से हमेशा मैंगो का ही प्लांट उत्पन्न होता है, किसी दूसरे प्लांट का नहीं. गिवन दैट दे डू आर ऑफस्प्रिंग द आइडेंटिकल टू देयर पेरेंट्स. ये माना कि ऑफस्प्रिंग वो अपने पेरेंट्स जैसे होते हैं. Or do they show differences in some of their characteristics? क्या वे अपने पेरेंट्स से कुछ characteristics में differ भी होते हैं? Have you ever wondered why siblings sometimes look so similar to each other or sometimes even so different? कभी कभी हम देखते हैं कि जो siblings हैं एक ही parent से उत्पन्न होने वाले बच्चे, वे एक दूसरे से बहुत similar होते हैं और कई बार वे एक दूसरे से बहुत डिफरेंट होते हैं. दीज एंड सेवरल रिलेटेड क्वेश्चंस आर डेल्ट विथ साइंटिफिकली इन ए ब्रांच ऑफ बायोलॉजी नॉन एज जेनेटिक्स. और इस तरह के बहुत से क्वेश्चंस को हम साइंटिफिकली जेनेटिक्स के अंतर्गत उनको डील करते हैं, उनकी स्टडी करते हैं, जो कि बायो की एक ब्रांच है. दिस सब्जेक्ट डील्स विद द इनहेरिटेंस एज वेल एज द वेरिएशन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स. और जेनेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें इनहेरिटेंस के साथ साथ उनमें जो वेरिएशन उत्पन्न होती है हम उसकी स्टडी करते हैं. अर्थात ऑफस्प्रिंग अपने पेरेंट्स से जो कैरेक्टर प्राप्त करते हैं वो कितने उन जैसे हैं या कितने उनसे डिफर हैं, इसकी स्टडी हम जेनेटिक्स में करते हैं. अर्थात जेनेटिक्स इज द साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस. इनहेरिटेंस इज द प्रोसेस बाय विच कैरेक्टर्स आर पास्ड ऑन फ्रॉम पेरेंट्स टू प्रोजेनी.
इनहेरिटेंस एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें पेरेंट्स से उसकी प्रोजेनी में कैरेक्टर्स इनहेरिट होते हैं, ट्रांसमिट होते हैं। इट इज द बेसिस ऑफ हेरिडिटी और ये हेरिडिटी का एक आधार है। वेरिएशन इज द डिग्री बाय विच द प्रोजेनी डिफर फ्रॉम देयर पेरेंट्स और वेरिएशन एक वो डिग्री है जिसके द्वारा कोई प्रोजेनी अपने पेरेंट्स से कितना डिफर करती है, अर्थात डिफरेंसेस बिटवीन ऑफस्प्रिंग्स एंड देयर पेरेंट्स इज नोन एज वेरिएशन। ह्यूमंस न्यू फ्रॉम एज अर्ली एज 8000 टू 1000 BC दैट वन ऑफ द कॉजेज ऑफ वेरिएशन वॉज हिडन इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और मनुष्य आज से नहीं बल्कि ईसा से 1000 से 8000 वर्ष पहले से मनुष्य ये जानता था कि वेरिएशन का कारण सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में छिपा हुआ है, कि जो वेरिएशन आती हैं वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कारण आती हैं। दे एक्सप्लॉयटेड द वेरिएशन दैट वर नेचुरली प्रेजेंट इन द वाइल्ड पॉपुलेशंस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स टू सेलेक्टिवली ब्रीड एंड सेलेक्ट फॉर ऑर्गेनिज्म। कि दे एक्सप्लॉयटेड द वेरिएशन, उन्होंने इन वेरिएशंस का लाभ उठाया, उनको उपयोग में लिया, दैट वर नेचुरली प्रेजेंट इन द वाइल्ड पॉपुलेशंस ऑफ प्लांट एंड एनिमल, जो प्लांट्स और एनिमल की पॉपुलेशन में नेचुरली पाई जाती थी, टू सेलेक्टिवली ब्रीड एंड सेलेक्ट फॉर ऑर्गेनिज्म, उनको सेलेक्ट मतलब ब्रीडिंग के लिए सेलेक्ट किया, एंड दैट पजेसस डिजायरेबल कैरेक्टर्स। और उनसे वो आने वाली ऑफस्प्रिंग में डिजायरेबल कैरेक्टर प्राप्त करते थे। फॉर एग्जांपल, थ्रू आर्टिफिशियल सिलेक्शन एंड डोमेस्टिकेशन फ्रॉम एंसेस्ट्रल वाइल्ड काउज, जो जंगली काऊ हैं उनको डोमेस्टिकेट किया और उनकी आर्टिफिशियल ब्रीडिंग कराकर वी हैव वेल नॉन इंडियन ब्रीड्स, हमने एक बहुत ही कॉमन इंडियन ब्रीड तैयार की, जैसे साहिवाल काउस इन पंजाब। पंजाब में साहिवाल काउस वो आर्टिफिशियल सिलेक्शन के द्वारा ब्रीडिंग करने से तैयार हुई है। वी मस्ट हाउएवर रिकॉग्नाइज दैट दो आवर एंसेस्टर्स न्यू अबाउट द इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर्स एंड वेरिएशंस,
दे हैड वेरी लिटल आइडिया अबाउट द साइंटिफिक बेसिस ऑफ दीज फेनोमेना. हमारे जो एंसेस्टर्स थे वो इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर्स और वेरिएशंस के विषय में बहुत अच्छी तरह जानते थे कि कैसे ये ट्रेट एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी जाते हैं और कैसे इनमें वेरिएशन उत्पन्न होती है. लेकिन उनके पास इस फेनोमेनन का साइंटिफिक बेस बहुत कम था, यानी कि उनके पास साइंटिफिक बेस बहुत ही कम था.